नहीं होगी इस साल रिलीज राजमौली की फिल्म आरआरआर। किस तरह फैंस को घुमा रहे हैं ये डायरेक्टर, कौन से नए प्रोजेक्ट से जुड़ी आलिया भट्ट। राजमौली का ड्रीम प्रोजेक्ट आरआरआर और इससे जुड़े सितारों को देखते हुए फिल्म से काफी उम्मीदें जुड़ चुकी है, लेकिन क्या कोरोना इस उम्मीद पर पानी डाल देगा। फिलहाल आरआरआर की टीम इस समय यूक्रेन में जश्न भरे गीत की शूटिंग कर रही है और शूटिंग के आखिरी फेज के बाद टीम इस महीने अपनी वापसी के साथ एक बड़े फैसले की घोषणा करेगी। आरआरआर एक बहुचर्चित फिल्म है जिसे बाहुबली फेम डायरेक्टर राजमौली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम नामक दो फ्रीडम फाइटर्स की कहानी है, जिनके किरदारों में हमें तेलुगु सुपरस्टार्स रामचरण और जूनियर एनटीआर नजर आएंगे। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और ओलिविया मॉरिस मुख्य भूमिकाओं में हैं। अभिनेता अजय देवगन, सुम थिरकानी, रे स्टीवेंसन, एलिसन डूडी, श्रेया सरन, छत्रपति शेखर और राजीव कनकला फिल्म में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देंगे। अफवाह है कि राजमौली आरआरआर को पोस्टपोन करने की घोषणा करने और चारों ओर गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए एक नई रिलीज की तारीख को लॉक करने की योजना बना रहे हैं। टीम ने कई मौकों पर दोहराया है कि 13 अक्टूबर रिलीज की तारीख है, लेकिन खुद प्रशंसकों द्वारा इस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि दूसरी और केजीएफ की रिलीज डेट को छुपाया जा रहा है। तीसरी लहर की दहशत पैदा करने वाले अलार्म के साथ तेलुगु राज्यों में दर्शक आरआरआर रिलीज की तारीख को लेकर डाउटफुल हैं। अन्य राज्यों की तो बात ही छोड़ दे, घरेलू मैदान में ही चीजें आरआरआर के पक्ष में नहीं है, जिस वजह से टीम एक नई रिलीज की तारीख के लिए सोच रही है। ऐसा लग रहा है कि राजमौली आखिरकार आरआरआर को लेकर चल रहे भ्रम को खत्म करने जा रहे हैं। इस बीच राजमौली आरआरआर के लिए चर्चा को बरकरार रखना सुनिश्चित कर रहे हैं। दर्शकों के बीच फिल्म का बस बनाए रखने के लिए टीम बीटीएस या स्टील या सिंगल जारी करके अग्रेसिवली प्रचार कर रही है। यदि आरआरआर अक्टूबर में स्क्रीन पर हिट करने में नाकामयाब रहती है तो छुट्टियों के मौसम में कई फिल्मों के रिलीज होने की पर्याप्त गुंजाइश होगी। चिरंजीवी के आचार्य, बालकृष्ण की अखंड और केजीएफ चैप्टर 2 के अक्टूबर रिलीज पर विचार चल रहा है। हालांकि केजीएफ के किसी भी पोस्टर पर फिल्म की रिलीज डेट बदलने के बाद से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आचार्य और अखंड के एक हफ्ते के इंटरवल में रिलीज होने की उम्मीद है, लेकिन राजमौली द्वारा आरआरआर की रिलीज की तारीख के बारे में घोषणा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी के लिए आरआरआर के पोस्टपोन और नई रिलीज की तारीख को लेकर बहस चल रही है। एसएस राजमौली और उनकी टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि आरआरआर 13 अक्टूबर को सभी जगह रिलीज होगी, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि फिल्म के लिए योजना के अनुसार रिलीज करना एक असंभव कार्य है। राजमौली, चरण और तारक के साथ शूटिंग समाप्त होने के बाद प्रेस से बातचीत करेंगे। वहीं शीर्ष निर्देशक राजमौली अपनी फिल्मों की रिलीज से एक हफ्ते पहले तक शूटिंग जारी रखना पसंद करते हैं। वो एक परफेक्शनिस्ट है और उन्हें शूट, रीशूट और बाकी के लास्ट टचअप्स फिल्म को देना अच्छा लगता है, और आरआरआर भी इनमें से कोई एक्सेप्शन नहीं रखा जाएगा। फिलहाल आरआरआर की शूटिंग यूक्रेन में चल रही है। ताजा चर्चा ये है कि शूटिंग को और बढ़ा दिया गया है। पहले की योजना 12 अगस्त तक शूटिंग पूरी करने की थी, लेकिन टीम अगले हफ्ते तक शूटिंग जारी रखेगी। एनटीआर और रामचरण अपने अपने परिवारों के साथ यूक्रेन गए थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की युवा सुपरस्टार आरआरआर की सीता और राजमौली की राइजिंग स्टार आलिया भट्ट वर्तमान में कई फिल्मों के बीच के बैलेंस बना रही है, जो उन्हें सबसे व्यस्त सेलेब्स में से एक बनाता है। बॉलीवुड के अलावा अभिनेत्री को एक अखिल भारतीय फिल्म में भी देखा जाएगा और हमें यकीन है कि वो अपने आने वाली बड़ी फिल्मों के साथ शोबीज की रानी बनने के लिए तैयार है। फिल्म तख्त के लिए करण जौहर और आलिया भट्ट फिर से साथ आएंगे, जिसमें रणवीर सिंह, विकी कौशल, करीना कपूर, अनिल कपूर, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर भी प्रमुख भूमिकाओं में है। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होगी जो मल्टी स्टारर कास्ट को लेकर पहली बार बनाई जा रही है। ए दिल है मुश्किल के बाद करण जौहर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए निर्देशक की कुर्सी पर बैठेंगे, जिसमें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन भी सहायक भूमिकाओं में हैं। वहीं आलिया एक साइंस फिक्शन फिल्म ब्रह्मास्त्र अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित का भी हिस्सा है। फिल्म में रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, नागा अर्जुन, अकिनेनी और मोनी रॉय मुख्य भूमिकाओं में हैं। हाल ही में दिल चाहता है कि 20 साल के जश्न में डायरेक्टर, राइटर और तूफान एक्टर फरहान अख्तर एक रोड ट्रिप फिल्म जीले जरा के लिए फिर से निर्देशक की टोपी पहन रहे हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।
फिल्म का निर्माण टाइगर बेबी और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है। वही सिर्फ एक एक्ट्रेस तक ही नहीं बनके रहना चाहती है आलिया, बल्कि एक निर्माता के रूप में डार्लिंग आलिया भट्ट की पहली फिल्म है जो संगीतकार विशाल भारद्वाज और गीतकार गुलजार के पूर्ण मिलन को चिन्हित करेगी। फिल्म शाहरुख खान द्वारा सह निर्मित है और जसमीत के रीन द्वारा निर्देशित है। फिल्म में रोशन मैथ्यू, शेफाली शाह और विजय वर्मा भी मुख्य भूमिका में है। और अंत में जिस फिल्म के टीजर ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया था, भला उसे हम कैसे भूल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में है। फिल्म में अजय देवगन भी अहम भूमिका में होंगे। जी हाँ, RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी दोनों ही फिल्मों में अजय और आलिया साथ काम करने जा रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा आलिया के बदलते रंग। वहीं RRR के BTS आपने देखे क्या? कैसा लगा आपको यूक्रेन? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।